जहाँ पर जो पैगाम का जो प्रोग्राम हो रहा है उसका मेन जो उद्देश्य है बहुजनों को इकट्ठा करना, बहुजनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना जिसके तहत वो अपने संविधान की रक्षा स्वयं कर सकें। जैसे यदि हमारा समाज उम्मीद करता है कि हमारे संविधान की रक्षा या हमारी रक्षा कोई बाहर से करने वाला है तो ये संभव नहीं है, अपनी रक्षा खुद करनी होगी। उसी को अपना पब्लिक को हमारे बहुजनों को जगाने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है आज। क्योंकि आज यहाँ देश से बहुत बड़े पूरे भारतवर्ष से लोग आए हुए हैं, पंजाब से, महाराष्ट्र से, साउथ से, आपके नॉर्थ ईस्ट से भी लोग आए हुए हैं, इवन यहाँ तक कि कुछ विदेशों से भी लोग आए हुए हैं, NRI भी आए हुए हैं, जो पूरे यहाँ पे जितने गेस्ट हाउसेस हैं वहाँ पर रुके हुए हैं, दो दिन से यहाँ पे लोग स्थापित हैं और अपने अपने कार्यक्रम इस कार्यक्रम के लिए इंतजार कर रहे थे। और यहाँ पे लोगों का मेन उद्देश्य है लोगों को जगाना। आपके हाथ में हर समय संविधान रहता है, कानून रहती है, तो ये कहते हैं कि आज संविधान खतरे में है। जी, वो आपको मैं कोट करूँगा, बाबा साहब का एक कोटेशन है, जब बाबा साहब संविधान पेश कर रहे थे तो बाबा साहब ने ये बोला था कि मैं कितना भी अच्छा संविधान बना के दे दूँ, उसको इस्तेमाल करने वाले लोग बुरे हैं तो अंततः वो बुरा ही साबित होगा। यदि मैं संविधान आज की तारीख में जितना भी बुरा बना दूँ उसको इस्तेमाल करने लोग अच्छे हैं तो अच्छा ही साबित होगा। तो बाबा साहब के कथन के अनुसार आज जो इसके हाथ में संविधान है, जो संविधान का पालन करवाने वाले लोग हैं, उनकी मंशा हमारे बहुजनों के प्रति अच्छी नहीं है, इसलिए हमें आज हमारा बहुजन जो है तकलीफ में है और उसको आवाज़ उठाने के लिए सड़कों पर सेमिनार और इस तरह के प्रोग्राम करने की आवश्यकता हो रही है।